जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। HSSC द्वारा पिछले सालों में जितने भी आपके एग्जाम लिए गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में परेशानी पैदा कर देते हैं। आज उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में रहते हो तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको ना ही कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये आपके ऑप्शन गिवन थे। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। अगर सिर की गिनती करें तो 48 हैं, अगर पैरों की गिनती करें तो 140 हैं। तो मुर्गियों की संख्या बतानी थी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है तो इसमें से क्या है, ऑप्शन में से ही उठाकर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। जैसे यहां पर देखते हैं, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, यहां पर देखो 26 ऑप्शन गिवन है, यहां से उठाते हैं। अगर टोटल जानवर कितने हैं 48, जिसमें मुर्गियां भी हैं और गायें भी हैं। पूछ रखा है कि मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो मुर्गियों की संख्या यहां पर ऑप्शन से उठा लेते हैं 26। अगर मुर्गियां 26 हैं तो 48 में से 26 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 22। तो 22 क्या बच जाएंगी, ये बच जाएंगी गायें। ठीक है, ये हो जाएगी गायें। अब देखो, पैरों की जो संख्या है वो कितनी है, 140। तो यहां से देखो, मुर्गियां अगर 26 हैं तो एक मुर्गी की दो टांगे होती हैं, तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कितनी, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगी 52। तो 52 टांगे किसकी होगी, मुर्गियों की। अगर गायें हैं तो एक गाय की चार टांगे होती हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल गायें की जो टांगे हैं वो कितनी है, 88। अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना आता है, 140, जो कि यहां पर बिल्कुल सेटिस्फाई करता है कि गायें और जो मुर्गियों की कुल पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। यहां से ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, आपको कोई भी फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से आंसर निकाल दोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, एक कमरे में हर कोई एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने के कुल संख्या कितनी है, 66 है। तो कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, मिलाए गए टोटल हाथ कितने हैं, 66 है। तो बताना है कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। छोटा सा एक फार्मूला देखो, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा 66 के बराबर। देखो, ये तो है मिलाए गए हाथों की संख्या, और जो ये n है ये है व्यक्तियों की संख्या। n क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन दोबारा से क्या पूछ सकता है, यहां पर मिलाए गए हाथों की संख्या 66 है और व्यक्तियों की संख्या पूछ ली। हो सकता है अगली बार व्यक्तियों की संख्या दे दे और मिलाए गए हाथों की संख्या पूछ ले, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो n देखो, यहां पर n की वैल्यू निकालनी है, 66 हाथों की मिलाई की संख्या निकाल रही है, गिवन है 66। तो आपने सीधा ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से मान लीजिए आपने सीधा ये ऑप्शन उठा लिया, 12 इसमें रख देते हैं। n की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो 12 में से गया कितना, 11, और बटे में 2, तो 2 × 6 = 12 और 11 × 6 = 66, ये सेटिस्फाई कर गया यहाँ पर। इस प्रकार आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ऑप्शन से क्वेश्चन को जल्दी हल कर सकते हो, सीधा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से अमल कर लेंगे। मिलाए गए व्यक्तियों की जो हाथों की संख्या है वो किसके बराबर होती है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, एन है व्यक्तियों की संख्या। जल्दी से एक बार पुट करके देख लेना वैल्यू, और जल्दी से जल्दी आप जो भी ऑप्शन रखोगे और वो सेटिस्फाई कर जाता है, 66 के बराबर आ जाता है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना बस, ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा कांस्टेबल 2021 में। अगर आप आज 1 रुपया बचाते हो, उससे अगले दिन 2 रुपये बचाते हो, उससे अगले दिन 4 रुपये बचाते हो, तो 2 सप्ताह के बाद आपकी बचत कितनी हो जाएगी। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 14 दिन के बाद ये बताना है कि आपके पास टोटल कितने रुपए की बचत हो जाएगी। ऑप्शन आपके ये गिवन थे। देखो, इसको ये जो गिवन है ना, 1 रुपया आज बचाया, फिर 2 रुपया अगले दिन, फिर 4, ये गुणोत्तर श्रेणी में आता है। किसमें आता है, ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये आता है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें पहले दिन 1 रुपया बचाया, अगले दिन 2 रुपये बचाए, उससे अगले दिन फिर 4 रुपये बचाए, इस तरह है। लास्ट में अगर हम बात करें
तो 14 दिन के लिए, 2 सप्ताह के बाद बताना है, तो 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, टोटल 14 हो जाएंगे यहां पर, 14वां पद हम इसको कह सकते हैं। इनका योग बताना है एक प्रकार से। पहला पद क्या है इसमें, ए गिवन है 1, और आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दूसरा नंबर जो है उसको पहले वाले पद से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा 2। एन क्या है, एन है यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 14। बस इनका योग निकालना है। छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है, वो फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा आर माइनस 1। तो एस एन यहां से निकालेंगे, देखो ए कितना है 1, आर कितना है 2, एन कितना है 14, एन की वैल्यू कितनी थी 14, और माइनस 1 और अपॉन आर कितना है 2 माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन में दिक्कत कहां आएगी आपको, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से गया 1 तो यहां पर बचेगा क्या, 2 की पावर 14 माइनस 1। अब दिक्कत आएगी आपको, 2 की पावर 14 कैसे करोगे, तो इसका ट्रिक बताता हूं। देखो 2 की पावर 14 हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 14 के बराबर, क्योंकि बेस क्या है बराबर है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 7 करने में आपको आसानी हो जाएगी। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 मल्टीप्लाई 128। अब देखो 128 को 128 में मल्टीप्लाई करके पूरा नहीं देखना है आपने, यहां पर सिर्फ यू, यहां पर इकाई के को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी कि लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, इसके लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा, 4, और उसमें से ये 1 माइनस हो रहा है यहां पर, देखो 2 की पावर 14 और इसमें से 1 माइनस है तो 4 में से 1 गया कितना, 3 यहां पर आ जाएगा। इकाई का अंक देखेंगे ऑप्शन में 3 कहां पर गिवन है, केवल ऑप्शन 1 में गिवन है, तो आपने पूरी कैलकुलेशन करके नहीं देखनी है, सीधा आपने आंसर लगाना है 16383, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक कितना है, 3 है, और हमने यहां पर भी इकाई का अंक निकाल लिया कितना, 3। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका HSSC में हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1000 रुपए में कोई 4 जोड़ी पतलून 8 शर्ट खरीद सकता है, 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट की कीमत क्या होगी। देखो 1000 रुपए में अगर वो 4 जोड़ी पतलून खरीदता है तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 1 पतलून की जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी, 250 रुपये 1 जोड़ी पतलून की कीमत है ये, 1 जोड़ी पतलून। अच्छा अब देखो 1000 रुपये में वो क्या खरीद सकता है, 8 शर्ट भी खरीद सकता है, तो 8 शर्ट खरीद सकता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125, यानी कि 1 शर्ट की जो कीमत है वो कितनी है, 1 शर्ट की 125 रुपये। बताना क्या है क्वेश्चन में, ये बताना है कि 3 जोड़ी पतलून, तो 1 जोड़ी पतलून की कीमत कितनी है, 250 रुपये, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये पतलून के आ जाएंगे 3 जोड़ी के। और 3 जोड़ी शर्ट की कीमत, 3 जोड़ी शर्ट यानी 1 शर्ट कितने रुपए की है, 125 की, इसको 3 से कर देंगे गुणा तो ये आ जाएगा 375। ये क्या है, 3 जोड़ी पतलून और ये है 3 जोड़ी शर्ट, तो इनको जोड़ देंगे तो 1125 रुपये में क्या आ जाएगी, इनकी कुल जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 1125 रुपये में 3 जोड़ी पतलून और 3 जोड़ी शर्ट खरीद सकता है। ये आपके यूनिक टाइप के, जो मिसलेनियस टाइप जिसे हम कह सकते हैं, विविध प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं HSSC में। उम्मीद करता हूं जो मैंने आज क्लास ली है आपको ये समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से डील करना है। आपने मोस्टली क्वेश्चन को ध्यान देना है, ऑप्शन से आप उठाओगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।